सीना निकलना है बढ़िया। अब यहाँ अब आटा पड़ता तो खुजली होती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज है 1 जून, 52 दिन बाद आज हमारा शहर अनलॉक हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग अपने अपने काम पे गए, प्रतिष्ठान खुले, शहर कम से कम अनलॉक हुआ। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अब पेशेंट की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए शहर अनलॉक हो पाया है। मम्मी जी भगवान की पूजा कर रही हैं। आ रहा हूँ। तो गर्मी के चक्कर में दरवाजा बंद रखो तो सुनाई नहीं देता कोई चीज। अरे बाहर से कौन लगा के भगते? अरे बच्चे भग जाते हैं जी। हमारे भाई साहब वो सामान लेने गए थे, अब आ गए हैं। आ गया, वो चावल दे दूंगा, पिसा ले आओगे? अच्छा दे दो, पैकेट दे दो, वहीं रखा होगा। मम्मी से पूछ लो कहाँ ले आओ, तो फटाक से पिसा के ले आ। हाँ हाँ ठीक है, ले आओ जल्दी ला के दो। हम जाएगा ना? हाँ गिरेगा नहीं, ठीक है बढ़िया। अब देखते कहाँ तक टिकती है। बाप रे कैसी धूप लग रही है। अरे बंद हो जा गेट भाई, बहुत तेज धूप लग रही है। भागो जल्दी से धूप से, नहीं अंदर। आहा, अंदर आओ तो थोड़ी राहत लगती, बाहर जाओ तो जल रहा है। ये देखो कौन दूध चढ़ा के चले गया, मैं हल्का सा लेट के गया। क्यों मम्मी, ये दूध कौन चढ़ा के गया यार यहाँ पे? ये देखो पूरा बह गया यार दूध, पूरा उबल के, पूरा डोंगा भरा था इसको, पूरा उबाल के जल जल भी गया और पूरा दूध उबल उबल के बह गया। ये कितनी देर से चढ़ा रहा दूध, ये पता तेज करके भाग गया। मैं दूध बह गया, देख रही हो ना, 1.5 लीटर दूध। मलाई जम गई यार। हाँ ना, तो मलाई तो जमे गई किनारे से, मतलब पूरा दूध बह गया यार। ये देखो लोग बोलते थे दूध की नदी बह रही, चला दूध की। ये देखो दूध चढ़ा के आके यहाँ पे मोबाइल चला रहे भाई साहब हमारे, पूरा दूध उबल के बह गया नदी वहाँ पे। बंद कर दे तो उसमें क्या दिक्कत है? नदी बह गया, नदी पूरी शाम पे बह गया। देखो इनका कोई रिएक्शन ही नहीं है, गजब आदमी है। शाम को कुछ खाने या पीने की इच्छा हो रही थी तो मेरे को मिल गया ये सत्तू, इतना ही बचा था। मैं इसको डालता हूँ गिलास में। हाँ थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा मजा आएगी। रुको इसको चम्मच से चलाना पड़ेगा, चम्मच से इसको चलाते हैं। ये बढ़िया इसको चला दिए और उसमें डालेंगे नमक। ये देखिए क्या बढ़िया दिखता है ये। ये मेरा सत्तू तैयार हो गया है, अब मैं इसको पीऊंगा। ये बहुत पौष्टिक और ताकत की चीज होती है। एक नंबर। अरे यार भैया कल कहीं घूमने घूमने चले यार। चलो यार कल निकलो, वाकई में अब तो लॉकडाउन हो गया है। हाँ आज से शुरुआत हो गई पर है। ऐसा मॉल वॉल नहीं खुला कहीं पे भी? नहीं नहीं, रोडे बस खुली है बस। हाँ ये क्या आप काम से कहीं जैसे कुछ खरीदना लाना है तो? हाँ मार्केट खुल गया, कुछ कुछ मार्केट खुले है। पर होटल ढाबा और ये सब खाने पीने की चीजें, होटल होटल रेस्टोरेंट मॉल वॉल सब बंद कर दिया, कुछ नहीं खुला। होटल से याद आया, वो ढाबा से याद आया। अरे वो एक वो सुना तो जरा एक बार। हाँ वो ना जो खाना बनाता है वो शादी में ढाबे वाली कहावत सुन। भाई साहब मैं मेरा कैटरिंग करने के लिए बढ़िया खान सामा आए, कुर्ता मुर्ता पहन के। हाँ खान सामा खाना बना लो। हाँ हाँ कितने लोग का बनाना, इतने तरह का सब हो गया। अब भैया उनकी कैटरिंग चालू हुई तो पड़े कुर्ता और गमछा वमछा पहन के उन्हें कलछी जलाना चालू कर दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा गर्मी पड़ी तो गमछा उतर गया। गमछा उतरने के बाद थोड़ी और गर्मी पड़ी, आइटम बनने लगे, गैस भट्टी जलने लगी। खान सामा ने उतार दिया कुर्ता, कुर्ता अच्छा कुर्ता मैंने उतार दिया, ठीक है। अब आ गए भाई साहब सैंडो बनिया में। अब बारी आई तंदूरी की। अब ये तंदूरी लगती है तो लगती है बहुत लपट, और तंदूरी रोटी में नमक कम और खान सामा का पसीना थोड़ा थोड़ा ज्यादा रहता है तो वो नमकीन स्वाद आता है। खान सामा पसीना निकल रहा है बढ़िया। अब यहाँ अब आटा पड़ता तो खुजली होती है। यार मैं गया शादी में, भगवान कसम बोल रहा हूँ, मैंने उसको देखने के बाद अब कोई देखा नहीं थोड़ी खुजा। अब फिर उसी आंख से तंदूरी ने और चप्पल सिखा ले,
मैं दूर से देख रहा, मैंने बोला भाई अब खाना खाने की हिम्मत नहीं है, जो इसका कुछ ज्यादा नमकीन हो गई, ज्यादा नमकीन होते जा रही। मैंने बताया बाय गॉड मीठा खाने के अलावा कुछ, वो बिल्कुल अलग से मार्केट से आता ना वो वाला मीठा खाया हूँ, और शादी से सीधे बाप पे खान सामा बढ़िया पसीना आने का, और तंदूरी वाले रूम के अंदर जाओ ना, तंदूरी वाले रूम के अंदर और बढ़िया, वो सेंडो भी जाने नहीं दिखती उनकी, तो पूरा मम्मी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए, मम्मी अच्छी हवा चल रही का है, थोड़ा ठंडा है बाहर यार, दिन में कूलर पंखा में तो और हालत खराब हो जा रही, पंखा कूलर चल रहा है तो भी बहुत गर्मी लग रही है, बाहर थोड़ा बढ़ जाता अच्छा, हाँ थोड़ा सा अच्छे नहीं, शाम को थोड़ा सा ठंडा भी लगने लगा। अच्छा मैंने भी स्टूल ले आया बढ़िया, आराम से हम और मम्मी बैठे हवा का आनंद ले रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जमा रही मम्मी सामान, कहाँ पड़े थे इतने सारे सामान, चुनके में नीचे, अरे बहुत सही, खाली करी ना माँ जी। हाँ क्या है, दाल है, मूंगफली है, क्या है ये सब पूरा सामान, सत्तू है, जो मैदा है, जो बेसन है, थोड़ी थोड़ी बच्चे है महीना के, हाँ जो उड़द की दाल है 2 किलो, जे भी उड़द की दाल है, जो मूंग की दाल है, अरे यार वो उसका आटा नहीं बचा क्या, चना है, किसका आटा है? जिससे वो डोसा वोसा बनता है ना, आटा दिए ना अभी उड़द के ना, हाँ चावल का आटा भी रखा है, उड़द के आटा दिए तो दिए है, अब फिर बनाएंगे उड़द के दाल फूलो के घर में पीस लेंगे। अरे बहुत बढ़िया डोसा बनेगा तो मजा ही जाएगा, बहुत दिन से इच्छा, आपने उड़द के आटे का पूछा क्या, हाँ हाँ जल्दी सब्जी आपके लिए, हाँ देखो इतना उड़द का आटा मिल गया, अरे बहुत बढ़िया क्या बनेगा, वो बन जाएगी क्या इडली है, डोसा डोसा बना देते हैं, हाँ अब दिन में अपने चावल का आटा पिसा के लाया था, हाँ 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 चावल का आटा हो गया, मेरे को डाउट था मम्मी जब सामान जमा रही थी ना, हाँ तो पूरा दाल सब चीजें पड़ी हुई थी, नमक अजवाइन अजवाइन, हाँ, मेरे को लग रहा था कि कहीं बचा है बचा है बचा है, नहीं लगभग आधा किलो उड़द की दाल का आटा मिल गया है, इसको अपन छान के चावल वाले आटे के साथ मिक्स करते थे तो कल सुबह या दिन में डोसा बन जाएगा, क्रंची पेपर डोसा, मेरा मन सुबह से कर ही रहा था डोसा इडली, हाँ मेरा भी कर रहा था, और देखो संयोग सब मिल गया, सही बात है, नहीं तो दाल पे आने ही वाला था मैं तो ले जाके, हाँ एक दो दिन दालों को थोड़ी बहुत खड़ी, हाँ इसको छान देते हैं अच्छे, सही बात है, खुशबू तो गजब है, हाँ पापड़ जैसी खुशबू आ रही है, अरे चावल का आटा तो फक फक कर रहा है बिल्कुल, इतना हल्का है, इतना हल्का कि वो पूरे छूते छे, चावल का आटा उड़द की दाल का आटा ही तो ना, बहुत हल्के होते हैं ये, देखिए कितना हल्का, इसको अपन बनाए कितना जल्दी घोलो यार फटाक से, कुछ बड़ा बर्तन ढूंढना पड़ेगा, हाँ हे गाइज हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते हैं एंडिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय।